Good morning students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to learn about swar akshar chhota u. Okay student, ab tak humne sikha hai chhota a, bada a, choti e, badi e. Aaj hamara topic hai chhota u. To chhota u se kya kya hota hai pehle hum ye dekhte hain. Chhota u se उल्लू, छोटा उसे उस्तरा, छोटा उसे उपहार, छोटा उसे उत्सव. ओके, अब हम देखेंगे छोटा वो कैसे लिखा जाता है. तो हमने आपको बताया सबसे पहले कौन सी लाइन खींची जाएगी, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल. अंडरस्टैंड? एक बार फिर से रिपीट करेंगे. छोटा ऊ, छोटा ऊ से क्या क्या होता है, छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उस्तरा, छोटा ऊ से उपहार, छोटा ऊ से उत्सव. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है खाली जगह भरो. क्या है? खाली जगह भरो. तो छोटा के बाद क्या आता है, छोटा के बाद क्या आता है, छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है. क्या आता है? छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है. छोटी के बाद क्या आती है? छोटी के बाद बड़ी ई आता है. ओके, छोटा के बाद बड़ा आ, छोटी के बाद बड़ी ई. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाना है. तो ये कौन सा चित्र बना हुआ है? मैंगो. तो हिंदी में क्या बोलते हैं? आम. तो अब चित्र पे देखेंगे, देखो यहाँ पे अक्षर लिखा हुआ है. अब आम किससे होता है? बड़ा से होता है ना, बड़ा से आम होता है. तो बड़ा पे हम सर्कल बनाएंगे, गोला बनाएंगे. जैसा कि ऊपर हेडलाइन दी गई है, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाना है. अब नीचे है छोटी ई, इधर लिखा हुआ है, इधर बड़ी ई. और ये चित्र काहे का है? ईख. तो छोटी सी इमली होता है और बड़ी से क्या होता है? ईख. तो बड़ी से ईख होता है, तो बड़ी ई पे हम सर्कल बनाएंगे. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब आप इस पे कलर भी कर सकते हैं. अब इसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे. ओके, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.